हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सबको बेहद जान के खुशी होगी कि मैं आज थोड़ा सा थक गई हूँ। और थकने के बाद थोड़ा सा ऐसा भी है कि बस अभी सो जाने का मन हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इसका कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में आप सबने देखा कि हमारी जो किया है वो मीरा को बचाती हैं। लाइक कैसे बचाती हैं वो सबको पता है कि कैसे बचाती हैं, जो कि उनको मक्खी काटने से, और वो मक्खी हमारी किया को काट लेती है। तो देन अब आगे, तो वो होती है स्टाफ रूम के साइड, मेडिकल रूम में। और इधर स्टाफ रूम में मीरा होती है। थोड़ा सा मीरा को टेंशन हो रही होती है किया के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अब थोड़ा होता है ना कि जब हम गलत में आ जाते हैं तो हमें तकलीफ होने लगती है। तो हमारी मीरा का भी हाल वही था, ठीक है। और हमारी किया मीरा मैडम को ऐसे ही बक रही होती, सड़ियल अड़ियल कर रही होती है। और फिर अचानक से फिर से हमारी मीरा को थोड़ा सा वो होता है, बेचैनी होती है, और वो स्टाफ रूम से निकलती हैं और मेडिकल रूम में चली जाती हैं। फिर किया से पूछती हैं कि किया, तो कह रही हैं हाँ, तो कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो कहती हैं कि नहीं नहीं मैम, सब ठीक है, ऑल सेट। तो कहती है कि ओके, अगर हो तो बताना ना। तो वो थोड़ा सा गिल्टी तो रहती है, बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, गलती तो हो गई है हमारी। किया मैडम को देखती है तो कहती है कि वैसे मैडम इतनी भी बुरी नहीं है। तो फिर वहाँ से वो मेरा चली जाती है। और इधर अनु और इसके फ्रेंड लोग, मतलब सब लोग आते हैं, लंच टाइम हुआ रहता है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक है ना, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो हमारी किया जो है बड़ी मस्त मौला होकर बोलते कि नहीं नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सब लोग पूछते हैं और अनु भी पूछते हैं कि अभी ठीक हो ना, पक्का ना? तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो चलो देखते हैं और क्या होता है। ऐसा कभी कभी होता है यार कि गलतफहमी हो जाती है और इंसान खुद को ना समझा पाता है, ना सिचुएशन को समझा पाता है, बस गलत फहमियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ होता है हमारी किया और मीरा के बीच। बट खैर, ये अच्छा हुआ होता है कि मीरा और जो किया होते हैं ना, उन दोनों के बीच गलत फहमियाँ कम हो जाती हैं। मतलब लाइक होती नहीं है, ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत होती हैं तो वो कम हो जाती हैं। देन अब ये होता है कि शाम ढलती है, किया काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब लगती है। तो वो अपने घर नहीं जाने के, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि वो घर जा सके। तो हमारी किया जो होती है वो थोड़ा सा वरिड होती है अपने घर वालों को लेके, कि मतलब उन लोगों को पता चल गया तो बहुत नाटक हो जाएगी। मतलब वो मीरा मैडम को कुछ मतलब अलग से भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो थोड़ा घर जाने से लिए घबरा रही होती है। और इधर किया घबरा रही होती है मेडिकल रूम से निकलने के लिए। इधर छुट्टी हो चुकी होती है, हमारी मीरा निकल रही होती है स्टाफ रूम से। फिर उनको ध्यान आता है कि इधर तो थी हमारी किया मेडिकल रूम में, पता नहीं वो निकली कि नहीं, वो उधर ही है। तो वो जाती है एक बार चेक करने के लिए। तो वो किया वहीं पे होती है। तो कहती है कि क्या हुआ किया, तुमको यहीं रहने का प्लान है क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं नो मैडम, ऐसा क्यों लग रहा है? तो कहती है कि तुम घर नहीं जा रही? तो कहती है कि मैम वो मुझे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, बट मैं कैसे जाऊँ? तो घर वाले मतलब मेरी मॉम और मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाएंगे इसलिए। तो कहती है कि अच्छा, फिर थोड़ी देर सोचती हैं, फिर कहती है चलो मेरे घर चलो, अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है, घर नहीं जाना चाहती हो अगर तो। कहती हैं कि पक्का? तो कहती है कि हाँ हाँ श्योर। तो अनु आती है, कहती है कि दी घर चले। तो अनु कहती है कि ये भी हमारे साथ चल रही हैं। तो कहती हैं कि
किया हमारे घर, आज तो मज़ा आएगा घर पे। तो कहती हैं कि तुम दोनों को साथ लेके जा रही हूँ मस्ती करने के लिए नहीं, ठीक है, चुपचाप सीधे से घर चलो। और चुपचाप घर पे जाके बैठना है, ना कि पढ़ाई करनी है, ना कि मस्ती मारनी है। तो कहती है कि ओके ठीक है। तो फिर देन ये एक ऑटो करते हैं, फिर उधर से घर आ जाते हैं। फिर इधर से किया अपने फ़ोन से फ़ोन करती है, अपने मॉम को बोलती है कि मॉम आज मैं घर नहीं आ रही, मैं एक फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। तो कहती है ठीक है आ जाना कल, बट जल्दी से बेटा। तो कहती है कि ठीक है मॉम मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। उनके फैमिली वाले थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं, खुले विचार के लोग होते हैं, ज़्यादा आने जाने रहने खाने पे पाबंदी नहीं लगाते हैं। तो इधर चली जाती हैं, तो उनके घर पे जाती हैं तो उनकी माँ से मिलती हैं, मीरा की माँ से। और उधर उनके दादाजी से मिलती हैं, मिलने के बाद पूछती हैं जो हमारी किया होती हैं अनु से कि तुम्हारे घर पे बस इतने लोग ही हैं? तो कहती नहीं नहीं है ना, हमारी एक और बहन है, तो वो कहाँ है? तो वो कहती है कि वो आती होगी, अभी कोचिंग गई होगी, कोचिंग क्लासेस उसके हैं ना, तो वो कोचिंग से आती होगी। और ये हमारी माँ और तुम्हारे फादर, तो कहते हैं कि वो हम लोग बहुत छोटे थे ही, तब उनकी डेथ हो गई थी, तब से दी ही सब कुछ देखती है। कहीं ना ये देखती है उसके घर में इतने सारे मेडल्स और इतनी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो ट्रॉफीज रखी हुई होती है, तो ये सब दी के हैं। तो कहती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि हाँ, और वो बचपन से ही ऐसे से हमेशा से ऐसी हैं। तो कहती हैं कि ऐसा? तो कहती हैं हाँ। और दोनों ही उसके मॉम से मिलवाते हैं, तो उनकी जो माता जी होती हैं मीरा की, वो काफ़ी खुश होती हैं, उनके दादाजी सबसे मिलकर खुश होती है, और उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर शाम ढलती है, डिनर का टाइम होता है, सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं, और हमारी जो मीरा होती हैं वो भी आती हैं, बैठती हैं और कहती हैं कि क्या तुम अभी ठीक हो? तो कहती हैं कि हाँ ठीक हूँ। उनके हाथ पे हाथ रख के वो पूछ रही होती हैं, तो अचानक से सडन एक मतलब होता है ना, एक अनछुआ एहसास एक दूसरे के लिए होता है, और बस थोड़े टाइम के लिए वो एक दूसरे में खोई से जाते हैं। बट ऐसे खोते हैं बस थोड़े देर में बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अनु है वो तो बात कर ही रही होती है, उनकी छोटी सिस्टर भी तब तक आ जाती है, तो वो भी आके बैठती हैं। आना या हाँ एक सेकेंड ना। तो आले आती हैं, तो हमारी जो होती हैं क्या नाम है, हाँ अनु, उनको चढ़ाते हुए ये इनसे मिलो, ये हैं हमारी सबसे छोटी प्यारी और हमारी घर की दुलारी आलू। ये देखिए मार दूंगी दी मैं, मेरा नाम आलिया है। तो कहती हैं कि आलिया पंडित, तो आपका नाम? तो कहती हैं कि मेरा किया कपूर। तो कहती हैं कि वाह अच्छा नाम है, वैसे आप हमारे घर क्या कर रहे हो? तो कहती हैं कि मैडम ने अपने घर पे बुलाया तो इसलिए मैं आई। तो कहती हैं कि ये आपकी मैडम है? तो कहती हैं कि हाँ मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। तो कहती हैं कि ओके अच्छा अच्छा है। वो कहती हैं, उनकी माँ बोलती है मेरा कि जाओ फ्रेश होके आ जाओ फट से, खाना खाते हैं। तो खाना इन दोनों का होता है, मतलब सब लोगों का होता है, सब खाना खाते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है। देन थोड़ा सा हमारी जो किया होती हैं वो परेशान होती हैं, और हमारी मीरा ये समझ नहीं पा रही होती कि ये क्यों परेशान है। तो कहती हैं कि हम लोग मैम क्या कहाँ सोएंगे? तो कहती हैं कि आलू और अनु एक कमरे में सो जाएंगे, हम और तुम एक कमरे में, और माँ अपने अलग कमरे में सोती हैं और दादाजी अपने कमरे में। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो थोड़ा सा संकोच तो कर ही रही होती है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसके दिमाग में, उसके दिल में थोड़ा सा कसमकस चल रहा होता है कि
मैम के साथ, तो कहते हैं क्यों अनकंफर्टेबल हो, तो कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम आलू के कमरे में सो सकती हो। तो कहती हैं कि नहीं, ठीक है मैम, चल जाएगा, डोंट वरी। तो ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को देख के थोड़ा सा हल्का हल्का सा शाया शाया सा हो रहे होते हैं। तो इधर हमारी जो मीरा होती हैं उनको हल्का सा स्माइल पास करती हैं, तो स्माइल पास करती हैं, तो इधर मीरा भी मारे किया भी मीरा भी करती हैं, और दोनों कमरे में जा रहे होते हैं सीढ़ियों से। तो आलिया और अनु आवाज़ देते हैं, तो कहते हैं कि दी पानी, तो कहते हैं कि हाँ, पानी लेने जाती हैं मीरा और इधर किया। जाके दरवाज़ा कौन सा खोले वो उनको समझ नहीं आ रहा, तभी मीरा ऊपर आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, दोनों अंदर कमरे के अंदर जाते हैं। तो उसके कमरे में थोड़ी सी तस्वीरें होती हैं उसके कॉलेज का, उसके पापा का, उसके मॉम का, उसकी फैमिली का। तो कहती हैं कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो ना, तो कहती हैं कि हाँ, हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। तो कहती हैं कि आप अपने घर, मतलब ऑलमोस्ट आपकी एज में लड़कियाँ जो जाती है, तो कहती है कि व्हाट यू मीन कि ऑलमोस्ट आपकी एज में, तो कहती है कि नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब शादी हो जाती है बट आपने शादी के लिए नहीं सोचा। तो कहती है कि नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उसको पूरा करना है। तो कहती है कि जिम्मेदारियाँ, कैसे जिम्मेदारियाँ? तो कहती है कि मेरी माँ, मेरी बहन, उनकी पढ़ाई, उनके लिखा, अगर मैंने शादी कर लिया तो फिर घर वालों को कौन देखेगा? तो कहती है कि ऐसा लड़का भी तो होगा ना कि जो आपको भी देखे, आपके घर वालों को भी देखे। तो कहती है कि ऐसा कोई नहीं होता, सब दावा करते हैं मगर होता कोई नहीं है। तो कहती है कि बट, कहते हैं कि छोड़ो ये सब टॉपिक छोड़ो, तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ, थोड़ा सा हल्का सा फीवर सा लग रहा है। तो वो क्या करती हैं कि वो फीवर के लिए मेडिसिन ला के देती हैं, कहती है ये ले लो और एक पेन किलर है, खा लो, खा के रेस्ट करो। तो कहती हैं कि ठीक है, तो बट आप ये थे कि मुझे बुक पढ़ने की आदत है, तो मैं थोड़ी देर बुक पढ़ूंगी देन सोऊंगी। तो कहती हैं कि ठीक है। तो ये जो होता है कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और बारिश होने लगती है, जो कि बारिश होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है। और इधर थोड़ा सा मेरा, अरे सॉरी, हमारी किया डर भी रही होती हैं। तो किया डर रही होती हैं, तो कहती हैं क्या हुआ किया? तो कहती हैं कि कुछ नहीं मैम। तो कहती हैं कि बोलो क्या हुआ, बताओ तो सही, मैं अगर मुझे लगा तो मैं कुछ हेल्प करूँगी। तो कहती हैं कि वो मुझे ना बारिश और बिजली से डर लगता है। तो कहती हैं इससे कौन डरता है? तो कहती हैं कि वो मुझे। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम सो, मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास ही। तो वो बैठी हुई होती हैं और किया इधर लेटी हुई होती है, तो उसको नींद नहीं आ रही होती है। बार बार उसका ध्यान मेरा मैडम पे जा रहा होता है, तो मेरा और उसको देखती है। तो कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तो ऐसे ही देख रही थी जस। तो कहती है कि क्या हम कोई मूवी देखें? तो कहती है कि क्या, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। तो कहती है कि ठीक है ठीक है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। तो एक फ़ोन पे एक मूवी निकालते हैं और यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं देखना। तो वो देखते देखते उस मूवी में एक बड़ा रोमांटिक सा सीन होता है, वो दोनों ही बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, हमारी मीरा भी बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो हल्का सा मीरा जो होती हैं थोड़ा सा दूर बैठी होती हैं, थोड़ा सा वो भी नज़दीक आती हैं, इधर हमारी किया भी थोड़ा सा नज़दीक आती हैं, तो टच होता है, तो उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है किया का। और कहते हैं कि तुम ऑलवेज इतनी ज़्यादा गर्म तुम्हारी बॉडी रहती है या आज ही है? तो कहती हैं कि नहीं, इतना तो रहता है। कहते हैं ओके ठीक है। फिर ये दोनों फिर से थोड़ा सा क्लोज हो के देख रहे होते हैं मूवी, और जो हमारी किया हैं वो बार बार उनका ध्यान मीरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो मीरा जब उनका ध्यान उन पे जाता है,
तो अचानक से कहती हैं कि क्या हुआ, हन्ना जोर से पूछती हैं तो कहती हैं कि कुछ नहीं। हाँ तो वो पूरा सीन वो देखने के बाद, और जैसे हमारी किया जो होती हैं अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती हैं, बेहद ज़्यादा मतलब वो अनकंट्रोल हो रही होती हैं और खुद को कंट्रोल करने के लिए हाथ को घिस रही होती हैं, कहती है क्या हुआ किया, तो कहती हैं कि कुछ नहीं मैम बस ऐसे ही, तो कहती हैं कि नहीं कुछ तो हुआ है, तुम कुछ बोलना चाह रही हो कुछ कहना चाह रही हो, तो कहती हैं कि नहीं मैम। तो वो अपना फ़ोन रखती है और किया के नज़दीक आके बैठ के बात कर रही होती है। तो किया जो होती है वो कंट्रोल अपना खो देती हैं और हमारी मीरा को वो कर देती हैं किस, और जब वो किस कर रही होती हैं तो दोनों की आंखें बंद होती हैं, जैसे दोनों ही एक दूसरे को नहीं रोकना चाह रहे होते हैं, दोनों के मन में एक अलग सा तूफान उठा हुआ होता है और वो तूफान कैसे शांत हो दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है, वो तूफान बढ़ता हुआ चला जाता है उन दोनों के बीच ही, वो सब होता है जो नहीं होना था और अचानक से यूं, ना प्यार ना इकरार ना तकरार कुछ नहीं, यूं ऐसे, और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं बड़े प्यार से एक दूसरे को, और हमारी जो किया होती हैं वो ऐसे टूट पड़ी होती हैं मेरा पे कि बस उस भूखे शेर के सामने बस चारा डाल दिया हो, और वो हमारी किया को सॉरी हमारी किया हमारी मीरा वो हद से ज़्यादा मतलब निशान प्यार और प्यार और प्यार बस उसके साथ उनको किए जा रही होती हैं, तो एक अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स कभी उनके फोरहेड कभी उनके नोज़ पे कभी चिक पे कभी दूसरे पे चिक पे कभी नेक पे कभी शोल्डर पे, मतलब वो पूरी उनकी होल बॉडी को प्यार किए जा रही होती हैं, ऐसा उनके अंदर तूफान उमड़ा हुआ होता है कि बस वो खुद को रोकना नहीं चाह रही होती हैं, मीरा को खुद में वो समेटना चाह रही होती हैं कि बस वो अब आज समेट ही डालना चाह रही होती है खुद में, एक दूसरे को मतलब इतना प्यार करना चाह रही होती हैं, इधर हमारे मीरा पूरा पूरा साथ दे रही होती हैं, उनका भी ऐसा होता है कि वो भी नहीं रोकती है और बस एक अनछुआ एहसास एक अनजाना एहसास को बस अपने रूह के अंदर समाने की कोशिश, गुस्ताखी तो कर बैठे होते हैं दोनों ही, और ये दिल तो गुस्ताख है हमें पता हो या ना हो मगर अपने पता ये ढूंढ ही लेता है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं बेहद ज़्यादा बेहद डीप एक दूसरे को, इतना प्यार इतना कि बस एक दूसरे में डूबना चाह रहे होते हैं, हमारी जो किया होती हैं बस थकने का नाम नहीं ले रही होती हैं और मीरा को बस प्यार किए जा रही होती, मीरा भी इधर पूरा पूरा साथ दिए जा रही होती हैं, दोनों के बॉडी पे निशान बनते चले जा रहे होते हैं, एक दूसरे को खुद में समाते चले जा रहे होते हैं, देन आखिरकार जो हमारी किया होती है वो उनको चक पे उनके फेस पे उनके नेक पे उनके नेक से नीचे शोल्डर पे उनके हर एक बॉडी पार्ट पे अपने प्यार का चाप छोड़ रही होती हैं, बस ये प्यार होता है या हवस या यूँ कह ले कि दिल गुस्ताख हो चुका होता है, वो तो गुस्ताखी कर चुका होता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पाने की कोशिश में वो सारी हदें पार कर जाते हैं जो नहीं होना था, और
हमारी मीरा काफ़ी समझदार होती हैं, मगर फिर भी उस वक्त उस सिचुएशन में उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ अचानक से, और दोनों ही एक दूसरे को बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक दूसरे को बस बस उस वक्त ये होता है कि एक दूसरे को हासिल कर लें और इस प्यार को मुकम्मल कर लें। फिर जैसे ही इनका प्यार मुकम्मल होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को जैसे ही थोड़ा सा वो होता है, होश आता है मीरा को कि ये क्या उसने किया, बट उसके ऊपर ही किया जो ऐसे ही लेटी हुई होती है, तो क्योंकि हल्का सा वो अनकॉन्शियस हो चुकी होती है, और अनकॉन्शियस होने के बाद वो उसके बॉडी पे ही लेटी हुई होती है, तो देन वो उसको साइड करती है और वो कपड़े पहन लेती है और मीरा क्या को भी पहना देती है। देन वो सो जाती है और उसकी वो रात बस सोचते हुए कटती है कि ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना था। और ये सोचते हुए ना वो खुद को समझा पा रही होती है, ये कैसे, मतलब क्यों, ऐसे कैसे हो गया, और मैं खुद पे कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ। ये हमारी मीरा जो होती है खुद से ही लड़ रही होती है, और अगर किया सुबह उठी तो फिर कहती है कि मैंने ये सब, तो वो ना बड़ी जो असमंजस होता है ना उसमें फंस चुकी होती है कि ये हुआ क्या, आखिर क्यों। तो कहती है कि जस्ट कुछ नहीं, बस एक वीक मोमेंट था और हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर वहाँ से अपना पिलो लेती है, फिर वो जो साइड में उसके साइड में सोफ़ा होता है वो उस पर रख के वहाँ पे चादर लेके सो जाती है। देन हमारी जो किया होती है सो जाती है, फिर उनकी सुबह नींद खुलती है, और नींद जब वो खुलती है तो इस तरीके से खुलती है कि मतलब होता है ना कि एक तो दवाई और एक तो प्यार, दोनों ही उनको बेकाबू करके इस तरह से उन पे हावी उनका प्यार हुआ होता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रही होती हैं। तो देन देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या किया ने जो किया है, क्या हमारी मीरा माफ़ करेंगी, सुबह एक दूसरे को क्या माफ़ कर पाएंगे, एक दूसरे से नज़रें मिला पाएंगे। ये अचानक से इनकी ज़िंदगी में कैसा भूचाल आ गया, कल तक तो ठीक था, अचानक से चीज़ें बदल कैसे गई, इन दोनों के बीच में ऐसा कैसे हो गया। और ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगी मेरी स्टोरी, तो मेरी स्टोरी के साथ बने रहिए और सुनते रहिए गुस्ताख दिल, क्योंकि दोनों के दिल ने गुस्ताखी की है, किसी एक पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जाए कि गुनाह किसका है या गुनहगार कौन है। तो चलिए मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कुछ नई कुछ पुरानी कुछ अधूरी कुछ पूरी कहानियाँ आप सबको सुनाते रहेंगे। तो ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा तो बताइएगा ज़रूर, और हाँ ये एपिसोड कैसा लगा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अभी तो चली रही है, खैर जो भी होगा वो आप सुनते ही रहेंगे और सुन के ही बताएंगे कि कैसी लगी या कैसी नहीं, तो देखते हैं। अच्छे से सुनिएगा और देन बताइएगा कि आखिर स्टोरी का माजरा क्या है भाई, शुरू में ही शुरू हो गए तो लास्ट में क्या होगा। बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।